हेलो दोस्तों, मैं रविशर आपका स्वागत करता हूँ इस टीवी सीरियस सेशन पे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर, और कंप्यूटर में मेरा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमने इससे पहले कंप्यूटर का इंट्रोड्यूस देख लिया है और इनपुट आउटपुट देख लिया है, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हम इस पे बात करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर। तो कंप्यूटर में मुख्यतः कंप्यूटर के दो मुख्य घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे हम कह लें, कंप्यूटर के वे समस्त भौतिक भागों को क्या कहा जाता है, हार्डवेयर, या हम कह सकते हैं जिन भागों को हम छू सकते हैं उनको क्या कह सकते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत जितने भी इनपुट हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं और जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे हम कहते हैं कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आप ये समझ ले जैसे कि हमारी एक बॉडी है, ये बॉडी, तो ये हमारा क्या है, हार्डवेयर है। और जो हमारी अंतरात्मा है, जो हमको निर्देश देती है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, जितने भी पार्ट, इनपुट डिवाइस हम लिख लेते हैं पहले, हार्डवेयर, क्या पढ़ रहे हैं, हार्ड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो मैंने आपको बताया जितने भी हार्डवेयर जो होते हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जितने भी पार्ट इनपुट के होते हैं, जैसे हम बात कर लें कीबोर्ड की, हम बात कर लें माउस की, हम बात कर लें जॉयस्टिक की, हम बात कर लें लाइट पेन या MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, या DCR, OCR, तो ये सभी पार्ट जो होते हैं क्या होते हैं, जो है इनपुट डिवाइस है, और जो आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्लॉटर हो गया। तो ये सभी जो पार्ट होते हैं, वो सभी पार्ट क्या होते हैं, हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब देखते क्या है, अब जो हम आपको लिखवा रहे हैं वो एक पास, मतलब साथ में नोट्स बनाते रहिए, उसको लिखते भी रहिए, और देखिएगा। पहला हमने आपको क्या बताया, हार्डवेयर, क्या हमने बताया आपको, हार्डवेयर, हार्डवेयर, ठीक। अब देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं कंप्यूटर के समस्त भौतिक भागों को, कंप्यूटर कंप्यूटर के समस्त भौतिक भागों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। या हम क्या कह सकते हैं इसी चीज को, या कंप्यूटर के वे भाग, या कह सकते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर के वे भाग। हमने बताया है कंप्यूटर के दो मुख्य घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर के वे भाग, कंप्यूटर के वे भाग, कंप्यूटर के वे भाग जिनको जिनको हम छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। या कह सकते हैं, हमने बताया कि कंप्यूटर के समस्त भौतिक भागों को हार्डवेयर कहते हैं, या कंप्यूटर के वे भागों को जिनको हम क्या करें,
छू सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, जितने भी पार्ट इनपुट डिवाइस के हैं और जितने भी पार्ट आउटपुट डिवाइस के हैं। हमने अभी बताया कि जो हमारी बॉडी है या हमारा शरीर जो है ये क्या हार्डवेयर है, और उसके अंतर जो आत्मा है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसको जो हमको क्या दे, निर्देश दे। अब निर्देश दे, अब बॉडी क्या हमारा उसके निर्देश के अकॉर्डिंग बात करें, तो इसके अंतर्गत हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं देखो जरा। हमने अभी आपसे बताया इनपुट, इनपुट इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के जितने भी पार्ट हैं वो सभी क्या आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस के जितने भी पार्ट हैं, आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस के जितने भी पार्ट हैं वो सभी क्या है, वो सभी हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसे हम एक दो के नाम भी लिख देते हैं, जैसे हमारा माउस हो गया, माउस हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, एमआईसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, ओसीआर हो गया, ठीक, लाइट पेन हो गया, लाइट पेन हो गया। इस तरीके जितने भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत पार्ट आते हैं वो सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ठीक, तो ये हमने हार्डवेयर के बारे में जाना। आगे चलते हैं, अब इसका जो दूसरा घटक है वो क्या है, इसका जो दूसरा घटक है कंप्यूटर का उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। देखिएगा अब इसमें लिखिएगा कंप्यूटर, 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 कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर को, हार्डवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर को, हार्डवेयर को चलाने के लिए, चलाने, हार्डवेयर को चलाने के लिए, चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले, इस्तेमाल होने वाले, होने वाले, होने वाले, होने वाले, होने वाले प्रोग्राम, इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम, या हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं निर्देश अथवा निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह, समूह, निर्देशों का समूह। हमने क्या बताया, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर को चलाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम होते हैं, या हम कह सकते हैं जो निर्देश अथवा निर्देशों का समूह तो निर्देश देने का काम करते हैं, वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब सॉफ्टवेयर भी होते हैं टाइप, कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं देखिएगा जरा, जो हमारा पहला होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो पहला इसका होता है, अगर हम इसको सही से लिखेंगे, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, तो इसका जो पहला जो होता है सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये जो होते हैं कंप्यूटर के, वो सॉरी सॉफ्टवेयर के क्या होते हैं पार्ट होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इनके देख लेते हैं क्या फंक्शन देख लेते हैं। देखिएगा हमने पहले बताया आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य ना कर सके। क्या वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर क्या हो ठीक प्रकार से कार्य ना कर सके। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये लगभग मतलब जो है दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से? एक होता है ट्रांसलेटर, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ट्रांसलेटर का मुख्य काम क्या होता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में क्या करता है? चेंज करता है। लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने का काम करता है। कौन काम करता है? ट्रांसलेटर। आप कह सकते हैं उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में क्या करता है? परिवर्तित करने का काम करता है। निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तित करने का या चेंज करने का काम करता है। ट्रांसलेटर ये तीन प्रकार से होता है, इंटरप्रेटर। ये क्या करता है? लाइन दर लाइन मतलब जो है अक्षरों को परिवर्तित करने का काम करता है। लाइन दर लाइन या एक एक करके मतलब जो है अक्षरों को परिवर्तित करने का काम करता है। एक दूसरा होता है, ये हो गया फर्स्ट ट्रांसलेटर, दूसरा होता है कंपाइलर जो होता है ये समस्त लाइनों को एक साथ परिवर्तित करने में सक्षम होता है। समस्त समस्त
लाइनों को एक साथ को एक साथ परिवर्तित करने में सक्षम है, साथ परिवर्तित करने को समस्त लाइनों को एक साथ परिवर्तित परिवर्तित करने में सक्षम है। अब देखिएगा तीसरा जो है अम्बेसलर असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली भाषा को असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में चेंज करता है, बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा हम कह सकते हैं, मशीनी भाषा बाइनरी भाषा कह सकते हैं, मशीनी जीरो या एक, हमको पता होगा बाइनरी भाषा क्या होती है। तो हमने बताया ट्रांसलेटर वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य ना कर सके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने बताया दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रांसलेटर क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करने का काम करता है। ट्रांसलेटर होते तीन प्रकार के, एक होता है इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। गुड इवनिंग। देखिएगा ये असेंबलर क्या करता है, मशीनी भाषा असेंबली को मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा में परिवर्तित करने का काम करता है। कौन, असेंबलर। और कंपाइलर क्या होता है, समस्त लाइनों को एक साथ परिवर्तित करने में सक्षम है। और इंटरप्रेटर क्या है, लाइन दर लाइन यानी कि अक्षरों को परिवर्तित करने में सक्षम है। उसके बाद देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, यूजर और कंप्यूटर, यूजर और कंप्यूटर के मध्य कड़ी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे एक दो उदाहरण इसके देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, सीपीयू हो गया और इनपुट डिवाइस और आउटपुट मैनेजमेंट। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है, यूजर और कंप्यूटर के मध्य कड़ी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट होता है, हमने बताया है अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो यूजर को सुविधा प्रदान करने हेतु लाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं
सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमने क्या बताया, वे सॉफ्टवेयर जो यूजर को सुविधा प्रदान करने हेतु लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा कौन कौन से होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपका होगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, टैली और फोटोशॉप, और भी इसके होते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट और फायरवॉल पैकिंग, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। लाइबर ऑफिस ये भी कह सकते हैं हम, क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद में जो लास्ट हमारा है यूटिलिटीज, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें उन्हें यूटिलिटी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कह दें एंटीवायरस, दूसरा है एंटी मॉलवेयर। ठीक, तो ये हमारे क्या, हमने अभी आपको बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर के पार्ट भी हमने आपको बता दिया है। ठीक, ये हमने इतना जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो हार्डवेयर हमने बताया आपको, कंप्यूटर के समस्त भौतिक भागों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कंप्यूटर के वे भाग जो हम छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत मतलब जो है जितने भी इनपुट डिवाइसेज या आउटपुट डिवाइसेज होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल जो होने वाले प्रोग्राम्स या निर्देश अथवा निर्देशों का समूह वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर के हमने टाइप आपको बताया, तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आगे देखिएगा, हमने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिनको बिना कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य ना कर सके, यानी वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर क्या ठीक प्रकार से काम ना कर सके उनको क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बताया ट्रांसलेटर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करने का काम करता है, और ये तीन प्रकार के होते हैं, इंटरप्रेटर यानी कि लाइन दर लाइन चीजों को जो परिवर्तित करे, और कंपाइलर, दूसरा है क्या असेंबलर, और इसका जो सेकंड पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने बताया कि यूजर और कंप्यूटर के मध्य कड़ी को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे सीपीयू हो गया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट मैनेजमेंट हो गया,
और इसके बाद हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया, वे नहीं, वे सॉफ्टवेयर जो यूजर को सुविधा प्रदान करने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, टेली हो गया, फोटोशॉप हो गया, ठीक। अब उसके बाद हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया है, कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जो सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे एंटीवायरस और एंटी मॉलवेयर, ठीक। ठीक है दोस्तों, आज का एक हमारा जो मतलब जो टॉपिक था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खत्म हुआ, इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।